Today I'm going to teach you type of a chemical reaction. Types of chemical reaction. बच्चों ये आपको मालूम है केमिकल रिएक्शन कई तरह के, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एज पर द रूल प्रीवियस क्लास का, थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट, वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकलता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कार्बन का जलना, कंबशन ऑफ कार्बन C+O2 गिव CO2, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगा और हीट एनर्जी भी मिलेगा जब किसी चीज को तुम जलाओगे, ऐसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, वो भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब सच एज N+O2 गिव्स N2NO, हियर हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब सच केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। हम आपको बताएंगे अभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, इसमें आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चार रिएक्शन पढ़ने। इससे आगे क्लास में आपको रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, चलो अब इसमें देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज केमिकल, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट two or more reactant combines to form single product such reaction is known as combination reaction. For example, Mg+O2 gives MgO. H2+O2 gives H2O. Two times कर दीजिए और इसको two times कर दीजिए. C+O2 gives CO. All are combination reaction. ठीक है, ये तीनों combination reaction। अब इसमें ध्यान देना है, पहले वाला reaction का हम activity बताएंगे। क्या होता है? What happens when magnesium ribbon is burnt? जब आप magnesium ribbon को burn करते हैं, तो आपको magnesium oxide मिलता है। आप इसको balance, इसको भी balance कर लीजिए, O2 2MgO कर दीजिए या 2MgO। अब देखिए इसको जब आप वाटर फेंस में, इससे क्वेश्चन वाटर फेंस में मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर एक होमवर्क, क्वेश्चन नंबर वन व्हाट हैपेंस व्हेन व्हेन मैग्नीशियम रिबन is burnt. दूसरा क्वेश्चन, define
combination reaction. तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हम बताते. सो चिल्ड्रन, नाउ यू नीड टू सी दैट. ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके अभी आप देखिए क्या होता है. मैग्नीशियम रिबन को बंद करते हैं. देखिए, अब अभी मैग्नीशियम रिबन को बंद करेंगे. इमली पेपर नहीं है, इसको रब करना पड़ेगा. कहीं पर हमने इमली पेपर देखा है. See, this need to be rubbed. Somewhere it is there. In the paper. कहाँ in the paper? हाँ. कहीं in the paper. So children, Sandeep bhai. So children, actually we are going to give you, show you the activity. This is a magnesium ribbon. Ribbon means it is a fita type substance. When you burn it, it burns with dazzling white flame. A white color, जैसे दिवाली में रोशनी होती है, उस तरह की रोशनी इसमें होगी. आपको ये ध्यान देना होगा, लेकिन इस magnesium ribbon में इसका carbonate बना होता है. ये काला है, इसलिए magnesium carbonate है. इसको rub करके खत्म करना होगा. किससे? सरेस पेपर से. देखो ये सरेस पेपर है, हम इस पर रगड़ते हैं इसको, देखना है चमकने लगेगा थोड़ी देर के बाद. ऐसा इसलिए रगड़ते हैं, ऐसा रगड़ने से क्या होगा, आसानी से आग लग जाएगी. ये मेटल है और ये बर्न करेगा. आप इसको देखिए, ये आपका वाच ग्लास है जिसमें हम इसको रखेंगे. देखो बच्चों, ये बर्न करने के बाद ये पाउडर मिल गया. ये केमिकल सब्सटेंस है. अब हमें दोबारा ये व्हाइट कलर पाउडर जो है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ये दोबारा हमें मैग्नीशियम रिबन नहीं बनेगा, ये जल चुका है. तो चलिए आइए देखिए. सो आपने इसका आंसर क्या लिखोगे? वाटर पेस्ट मैग्नीशियम रिबन इज बर्न. लिखोगे मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड मैग्नीशियम पाउडर मिलेगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा है? व्हाइट. ठीक, तो चेंज इन कलर भी हुआ इसमें एक्टिविटी में. चलो अब आपने इस बात को समझा. अब हम चलेंगे दूसरे केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन. देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? दो केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजर टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट. एक रिएक्टेंट जो है वो टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देता है. सच रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन सन के प्रेजेंस में भी होता है, हीट के प्रेजेंस में भी होता है. व्हेन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन सन हीट के प्रेजेंस में होता है, हीट का मतलब थर्म होता है, इसलिए उसका नाम होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन व्हिच द केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जो रिएक्शन सन के प्रेजेंस में होता है, द केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन. ठीक है, वही रिएक्शन जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो
ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वाटर डिकम्पोजेज इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किस प्रोसेस से होता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इसका भी नाम है केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट। खैर चलिए, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। डेफिनेशन क्या है वो लिखिए। When single reactant decomposes to give two or more product, is known as decomposition. बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लो, अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हीट करोगे स्ट्रॉन्गली तुम्हें मिलेगा CaO+CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए। इसमें हीट, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें यू आर हीटिंग द लाइमस्टोन स्ट्रॉन्गली एंड यू आर गेटिंग लाइम। ये लाइमस्टोन है, एंड यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट। दिस इज अ डिकम्पोजिशन। अनदर एग्जांपल, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और इसमें तुम्हारा H2 निकल जाएगा प्लस O2 निकल जाएगा और 2H2 कर दो और 2H2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे कई कई बार में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस होगा, ए सिंगल प्रोडक्ट वो दो प्रोडक्ट देता है, जैसे CuSO4 5H2। अब इसे हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? CuSO4+5H2। इनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस। ये अभी ब्लू कलर होता और ये क्या आ जाएगा? सफेद कलर होगा। इसका भी एक्टिविटी जरा तुम देखने की कोशिश करो कि क्या होता है। कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसका देखो क्या होगा। देखो ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है। हम इसे हीट करते हैं, ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है। जस्ट बात कीजिए, ये कॉपर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है और देखिएगा हीट होने के बाद इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब लॉस होगा ये सफेद कलर का हो जाएगा। ठीक है, इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल रहा है और जूम करके निकल रहा है। सो प्लीज वॉच, this blue color is getting converted into the white. देखो बच्चों, जरा समझ लो इसमें कौन सा कलर है, व्हाइट हो गया। मैंने आपको ब्लू कलर दिया था, ठीक है।
हमने आपको ब्लू कलर दिया था, ये कलर व्हाइट हो गया। अब व्हाइट देख लिया बच्चों ने, ओके जी। सो क्या हुआ, ये व्हाइट कलर, इट इज अ व्हाइट कलर, व्हाइट। और इससे पहले क्या था, ब्लू था, ओके। तो मैंने दो तरह, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया। व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन CuSO4 dot 5H2O is heated. What is heated? What is the change in color? What is change in color? So children, आपको मैंने बताया ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ठीक है? ये चारों क्वेश्चन का आंसर लिख के तीनों का आपको व्हाट्सएप कर देना। मैंने जो बताया उसे आपने समझ लिया है, दोनों एक्टिविटी बताया, उस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। थैंक यू, वी विल मीट इन टुमारोज क्लास।